हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। होली आने वाली है, आज हम चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी बनाएंगे। बहुत डिलीशियस लगती है खाने में और इसको आप घर में ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। होली की सबसे फेमस रेसिपी गुजिया ही है और गुजिया को हम बहुत तरीक़ों से बनाते हैं। आज हम चाशनी वाली रसीली गुजिया बनाएंगे, तो देखते हैं अपनी इस डिलीशियस सी रेसिपी को। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मावा को रोस्ट करना है। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। इसको रोस्ट कर लेंगे। अभी हम जब मावा को रोस्ट करेंगे, ये गीला हो जाएगा और घी छोड़ेगा। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए, इसी तरीके से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। इसको हम 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मावा जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा। मावा रोस्ट हो चुका है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर तक इसको और चलाते रहेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो गर्म है तो मावा जल सकता है नीचे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक गुजिया के लिए डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ली है, इसमें ये देसी घी डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैदा ले सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से गुजिया में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, इस तरीके से लड्डू बनना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लेंगे। आप चाहें तो पानी की जगह पे दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर गुजिया को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो पानी ही यूज़ कीजिए। ये देखिए, डो लग चुका है। डो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। डो लगाने के बाद में इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक गुजिया के लिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए चीनी ली है, 400 ग्राम चीनी है ये, या फिर आप किसी कटोरी से भी इसको नाप सकते हैं। ये 1 कटोरी चीनी ली है मैंने, और इसमें इससे थोड़ा सा कम पानी ऐड कर देंगे और चीनी को डिज़ोल्व होने तक इसको चलाएंगे इस तरीके से। देखिए, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, बीच बीच में इसको चेक करना है। उसके बाद क्रश करके 2-3 इलायची इसमें डाल देंगे, जिससे चाशनी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का। ये देखिए, चाशनी पक चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चेक करना है। चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए तभी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। देखिए, चाशनी बन चुकी है, इसको छोड़ देते हैं। तब तक गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये रोस्ट किया था जो मावा, वो लिया है। 250 ग्राम मावा में 150 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप जितना मीठा रखना चाहते हैं उसी हिसाब से चीनी को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नारियल का बुरादा है, इसको भी डाल देंगे। ये किशमिश थोड़ी सी, थोड़ा सा ये इलायची का पाउडर है, और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मावा को अच्छे से क्रश कर लेंगे, इसमें जो गांठें हैं वो नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, आप चाहें तो इसकी जगह पे जो मैंने कोकोनट पाउडर ऐसे यूज़ किया है, आप उसको रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। इस होली पर एक बार इस तरीके से गुजिया ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही अच्छी गुजिया बनती है। मिक्सचर बन चुका है, देखिए, इसको साइड में रख देंगे। तब तक जो हमने डो तैयार करके रखा था उसको लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैश करेंगे और इसको इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे गुजिया को सील करने के लिए। इसमें थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तरीके से लोई बना लेंगे और इसको तरीके से बेलना है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये देखिए, गुजिया की जो पूड़ी है उसको बस इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो पतला करना है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। इसके साइड से इस तरीके से पानी लगा देंगे और जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और इस तरीके से इसको बीच में पकड़ के अच्छे से इसको बंद कर लेंगे। जो स्टफिंग है तो किनारों पे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से बंद नहीं होगी। किनारों को छोड़ के आपको स्टफिंग डालनी है और इस तरीके से इसको हाथ से गूंद लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको दबा देंगे। इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए गुजिया को, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। देखिए इस तरीके से गूंद लेंगे इसको और देखिए आप गुजिया बनके एकदम तैयार है। इसी तरीके से सारी गुजिया बना लेंगे और इसको अभी चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए जो तेल है वो ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इस तरीके से डालने के बाद में इनको पलट पलट के सेक लेंगे दोनों साइड से। गुजिया को हमें ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए गुजिया सीख चुकी है, इनको निकाल लेंगे और जो हमने चाशनी बनाई थी उनमें इनको डाल दे जाएंगे। गुजिया का दूसरा बैच सेकेंगे और जो हमने चाशनी में एक बैच की गुजिया डाली है वो निकाल देंगे और उसके बाद में ये दूसरे बैच की गुजिया उसी चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से चाशनी में हो चुकी हैं गुजिया। इसी तरीके से रखना है, गुजिया बनके एकदम तैयार है। इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी चाशनी और डालेंगे जिससे जो गुजिया है बहुत ही रसीली हो जाएंगी और थोड़ा सा इनको पिस्ता से गार्निश करेंगे और लीजिए एकदम रसीली गर्मा गर्म गुजिया बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस गुजिया बनी है। आप भी इस होली पर एक बार ज़रूर इस तरीके से गुजिया को बना के देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसीलिए एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।